विधायकों के अनशन पर बोले विधायक, होगी सीएमओ पर कार्रवाई। पार्षद और सीएमओ के विवाद में नगर में रुके पड़े हैं विकास कार्य। लांजी नगर परिषद लांजी में मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजीव लोचन कटारे और पार्षदों के बीच पिछले कुछ समय से तकरार कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, जिसका खामियाजा नगर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। वर्तमान में नगर परिषद लांजी विभिन्न वार्डों एवं नगर की मुख्य सड़क एवं चौक चौराहों में अनेकों कार्य लंबित है, जिससे नगर वासियों सहित व्यापारियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस संबंध में विगत दिनों लगभग 11 पार्षदों के एक समूह के क्षेत्र के विधायक राजकुमार कर्राहे को सीएमओ राजीव लोचन कटारे का स्थानांतरण करने एवं उन पर विभागीय कार्रवाई करने हेतु एक ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद भी कार्रवाई नहीं होने से नाराज पार्षदों ने 4 मार्च से अनशन पर बैठने की घोषणा कर दी है, जिसकी सूचना मिलने पर विधायक राजकुमार कर्राहे ने इस मामले में कहा कि उनके द्वारा इस विषय पर जिला मुख्यालय दौरे पर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी चर्चा की थी तथा जिला कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा से इस मामले को संज्ञान लेकर कार्रवाई के लिए कहा गया था, जिस पर शीघ्र ही आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मेरे द्वारा सीएमओ के नाराज पार्षदों से चर्चा की जाएगी तथा उन्हें अनशन पर नहीं बैठने के लिए कहा जाएगा, साथ ही जल्दी उनके द्वारा की जा रही मांगों पर कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा। MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस से विकेश मेसराम की रिपोर्ट। सर, जैसे कि नगर से लेकर के केंद्र तक के आपकी बीजेपी की सरकार है, तो जिसको देखते हुए यहाँ के लांजी नगर परिषद के पार्षद कुछ नगर परिषद के कार्य को लेकर के नाखुश है, जिसको लेकर के वो कल अनशन में बैठ रहे हैं, तो क्या मांग रहे हैं? क्या है कि जो हमारे पार्षद हैं, कुछ पक्षीय पार्षद हैं, कुछ हमारे पक्षीय पार्षद हैं, उन लोगों के द्वारा सीएमओ जो हैं नगर पंचायत लांजी के कटारी जी, उनके खिलाफ एक अविश्वास भी लिया गया है और उन्हें निंदा प्रस्ताव भी पारित किया है नगर पंचायत के अंदर में। क्योंकि लांजी नगर अब विकसित होते जा रहा है, आगे बढ़ भी जा रहा है, लेकिन उनकी कुछ अनियमितताओं का उन्होंने विरोध किया है, तो उसके खिलाफ उन्होंने मुझे भी ज्ञापन दिया था और मैंने माननीय कलेक्टर साहब से भी मैंने बात किया है और ऊपर भी भरत यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जब हमारे बालाघाट आए थे उनको भी मैंने दिया है। निश्चित तौर से उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी तत्काल कार्रवाई होने में थोड़ी संभावना है, ये हो रही है, इस कारण से हम देख रहे हैं कि जितने जल्दी हो सके कार्रवाई हो जाए और उनका यहाँ से स्थानांतरण हो जाए, वही उनकी प्रमुख मांग है। सर, नगर के व्यापारी भी अभी परेशान हैं कुछ कामों को लेकर, इनके द्वारा बहुत दिनों से काम को रोक लगा के रखा गया है, जिससे व्यापार उनका बाधित हो रहा है। हाँ, व्यापारियों का बार बार शिकायत ये आ रही है कि कोई काम अगर प्रारंभ होता है तो उसको पूरा नहीं किया जा रहा है, वो बहुत तीव्र गति से नहीं हो पा रहा है, तो उस पर भी हमने संज्ञान लिया है और अभी हम लोग पार्षदों से बात करेंगे और मामले का जल्द से जल्द निराकरण करने का प्रयास करते हैं। तो सर, जो अनशन में बैठ रहे हैं पार्षद, उनसे आप चर्चा आज करेंगे, कल भूख हड़ताल में बैठेंगे? मैं करूँगा कि अभी उनसे मैं निवेदन करूँगा कि अभी वो ना बैठें, थोड़ा सा वेट कर लें। वैसे तो कल सोमवार का ही मैं जो मेरी प्रशासन से बात हुई, तो कल सोमवार का ही सब लोगों ने कहा हुआ है अधिकारियों ने, तो निश्चित तौर से सोमवार या मंगलवार तक इस पर कार्रवाई हो जाएगी। जैसे सर, अभी शिवरात्रि आ रही है और व्यापारी की दुकानें नहीं लग पा रही है और वो चाह रहे हैं कि विधायक महोदय हमारे लिए सुनिश्चित व्यवस्था कराए नगर परिषद से, तो क्या करेंगे सर? अभी तो हमारे पास में जो यहाँ के व्यापारियों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है और कहा गया है कि जो हमारे यहाँ का मेला भरता है 5 दिन का, उसे निःशुल्क कराने का, और मैंने कलेक्टर बालाघाट को भी इसमें पूरे विस्तार से चर्चा करके उस लेटर को मैंने उनको भेज दिया है, ताकि हमारा जो यहाँ मेला भरता है महाशिवरात्रि का, वो अच्छे से असर जाए, क्योंकि वो धीरे धीरे करके लुप्त होते जा रहा है, लोग व्यापारी अब कम आ रहे हैं, दौरे के द्वारा ज़्यादा वसूली की जाती है इस कारण से, तो अगर निःशुल्क हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी इसमें आ सकेंगे, भाग ले सकेंगे, उस पर नगर पंचायत के भी हमको सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, और चूँकि वहाँ की स्थिति अभी ठीक समझ में नहीं आ रही है, पार्षदों में आक्रोश है, तो जल्दी उसका निराकरण करते हैं, चर्चा करते हैं पार्षदों के साथ। थैंक यू।